छाई रे हो काली घटा, छाई रे हो काली घटा, जागा दिलों का प्यार। आई रे हो काली घटा, छाई रे हो काली घटा, जागा दिलों का प्यार। ओ हैया ओ हैया है मालिक के भैया रे, हम इस बार हमारी रानी है उस पार, प्रीत की हमने ली पतवार। हैया ओ हैया है मालिक के भैया रे, मैं तो बोलूं रे कोई बोले न बोले, डोलूं रे कोई डोले न डोले। हैया ओ हैया है मालिक के भैया रे, छाई रे हो काली घटा, जागा दिलों का प्यार, जागा दिलों का प्यार। ये क्या भैया? मालिक तूफान उठ रहा है, तूफान। अगर बात बंद नहीं कटेगा तो जहाज डूब जाएगा। सावित्री मैं ऊपर जाता हूँ, जल्दी देर मत करो, जल्दी जल्दी, इस वक्त ऊपर जाना मुश्किल है। भैया तुम मत जाओ, भैया तुम यही रहो, ऊपर मत आओ। लोग नहीं जानते कि आज इस बहादुर नौजवान ने जिस जहाज को तूफान से बचाया है, ये जहाज ही इसका सब कुछ है। आज से 10-12 साल पहले इसी तरह की एक तूफानी रात में एक छोटी सी कश्ती इस जहाज से आके टकराई। देखा तो उसमें दो नन्हे बच्चे, ये दोनों बहन भाई उसमें रो रहे थे। ये बेचारे इतने छोटे थे कि ये भी ना बता सके कि इनका माँ बाप कौन है, इनका घर कहाँ है। चंदर बेटा, एक दिन इस जहाज ने तुमको बचाया था और आज तुमने इन सब लोगों की जानों को बचाया। इसकी कीमत मैं नहीं चुका सकता, फिर भी मेरी तरफ से
ये 10,000 अशर्तियां कबूल कर लो बेटा। मालिक, आपने हम यतीमों को नई जिंदगी दी, इतने बरसों तक पाला पोसा, हमारे लिए यही नाम बहुत है। नहीं बेटा, मैंने कुछ नहीं किया, सबका करने वाला वो अल्लाह ताला। इसे ले लो मेरे बच्चे, अब तुम्हारी बहन जवान हो गई है, इसके लिए कोई अच्छा सा दूल्हा ढूंढ कर इसकी शादी कर दो और तुम भी अपना घर बसा लो। लो, इस दुनिया में मेरी एक ही तमन्ना है मालिक, कि अपनी बहन की शादी किसी अच्छे घर में कर दूं। आपकी दया से अब मैं वो काम पूरा कर सकूंगा, मुझे आशीर्वाद दीजिए। खुदा तुम्हारा भला करे। लो, आइए। कुछ रेशमी साड़ियां दिखाइए। वो बनारस साड़ी दिखाना भाई। और तुम्हारे लिए भैया? मेरे लिए? मेरे लिए बाद में देखेंगे, ये लीजिए। ये मकान हमें पसंद है, ये रहा आपका 6 महीने का किराया। अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। ये सावित्री, हम यतीमों की तरह भटक रहे थे, मगर अब अच्छे दिन आ गए हैं, तेरे भाग्य से दौलत भी मिल गई है। अब तो बस एक ही काम रह गया है, एक अच्छा सा लड़का ढूंढकर तेरी शादी कर दूं, और फिर जब तेरे बच्चे वाले हो जाएं, तो उन्हें गोद में उठा के नाचता फिरूं। जाऊं भैया? कहां जाऊं? तेरा दूल्हा ढूंढने वहीं तो जा रहा हूं। ले चल दिया। जा जा, शादी करने आए, यहां आते तुम्हें शर्म ना आई? मुझे अपने लड़के की शादी यतीम खाने में नहीं करनी है, जाए हाथ। माँ जी, आप एक बार लड़की को देख तो लीजिए, उसके गुण परख लीजिए, फिर हाँ या ना कहना। देखने में क्या रखा है जी, न कुल का पता, ना जात का पता, ना बाप का पता। मेरे पास 10,000 रुपए हैं, वो सब मैं अपनी बहन के दहेज में दे दूंगा। सारे रुपए बहन को ही दे दोगे तो तुम क्या करोगे बेटा? मेरी बहन सुख से रहे तो मेरा क्या है माँ जी, भगवान ने दो हाथ दिए हैं, मजदूरी करके भी अपना पेट भर सकता हूँ। शाबाश, हमें ये रिश्ता मंजूर है, मगर तुम्हारे धन की वजह से नहीं बेटा, तुम्हारे गुणों की वजह से। आपने गरीब भाई का मान रख लिया। उठो बेटा। अरे क्या करती है, मत जाओ। पानी। थोड़ा रुक जाओ भाई। ले जाओ इन्हें। ए, हेलो। तुमने इसे पानी पिलाने की हिम्मत कैसे की? क्यों, प्यासी को पानी पिलाना कोई पाप है क्या? तुम नहीं जानते कि एक राजद्रोही को पानी पिलाना जुर्म है? इसमें क्या जुर्म है, भूख और प्यास तो हर इंसान को लगती है। सरकारी अफसरों से बहस करती हो, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी। हट जाओ, मुझे हाथ मत लगाओ। डरो मत लड़की। राजपाल, क्या बात है? हजूर, इस लड़की ने एक कैदी को रास्ते में रोककर पानी पिलाया। क्यों, एक प्यासे आदमी को पानी पिलाना कोई जुर्म है? बोलो। लड़की, तुमने बिल्कुल ठीक किया। कौन हो तुम? मैं कौन हूँ इससे क्या, मगर हुजूर ने मेरी बात की हिमायत की, उसके लिए धन्यवाद। राजपाल, सावित्री, सावित्री। भैया, तेरा ब्याह पक्का हो गया, बहुत अच्छा घर मिला है, मेरी बहन राज करेगी, तू बड़ी तकदीर वाली है सावित्री। अरे शर्माती है ये क्या,
क्या बात है सावित्री? भैया, मेरे लिए माँ बाप भाई सभी कुछ तुम ही तो, तुम्हारे सिवा मुझसे इतना प्यार कौन करेगा? अरे बड़ी बातें बनाने लगी हो, प्यार? अरे पगली हम लोगों का और कौन है जो हमें प्यार करेगा? माँ है या बाप, तेरे लिए तुम हो और तुम्हारे लिए मैं। अच्छा अच्छा, मुझे बहुत काम करने हैं, मैं बाजार जाता हूँ। अरे एक जरूरी काम तो बताना ही भूल गया, वो लोग आज शाम को हमारे घर आ रहे हैं, इसलिए तू वो लाल साड़ी और जेवर वेवर पहन के जरा दुल्हन बन के बैठना। हा? और सुन, जरा लंबा सा घूंघट निकाल के रखना। जाओ भैया। मत पगली, मैं तेरी भलाई के लिए तो यहाँ लाया। मुझे तेरी भलाई नहीं चाहिए, जाने दो मुझे। जानती हो मैं कौन हूँ? पापी, नीच, मुझे हाथ मत लगा, छोड़ दे मुझे। भैया, भैया, भाभी, भैया, भाभी, भाभी, छोड़ दो, भाभी, भैया, भाभी, भैया, यहाँ तुझे कोई नहीं बचा सकता, छोड़ दो। चिता के सामने कसम खाता हूं सावित्री कि जिन हाथों से आज तेरी चिता में आग लगाई है उन्हीं हाथों से मैं इस अत्याचार का बदला उस पापी से जरूर लूंगा। मैं कसम खाता हूं कि जब तक तेरी मौत का बदला नहीं ले लूंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। मैं कसम खाता हूं सावित्री, मैं तेरी मिट्टी की कसम खाता हूं। जब से हमारी प्रिय बहन राज राजेश्वरी महारानी कलावती संघासन पर विराजमान हुई हैं, तब से इस राज्य में चारों तरफ खुशियां ही खुशियां छाई हुई हैं। आज राज तिलक का 10वां बरस पूरा होने की खुशी में महारानी की ये आज्ञा है कि आज सारे नगर में बड़ी धूमधाम से ये उत्सव मनाया जाए। बोलो महारानी कलावती की। We'll be right back.
कौन हो तुम? मुझे नहीं पहचानते? हमने तुम्हें पहले नहीं देखा, मगर मेरी बहन को तो देखा है। तुम्हारी बहन कौन? वो बदनसीब लड़की जिसका खून अभी तक तुम्हारे दामन से सूखा नहीं होगा। तो अब यहाँ क्या लेने आया? तुम्हारी जान लेने आया हूँ। अब बताओ बेवकूफ, तुम्हें यहाँ आकर चूहे की मौत मरने के लिए किसने कहा? और ये छोड़ दो तलवार, मर्द से मर्द की तरह लड़ो। सिपाही सिपाही उस दिल औरतों की तरह मददगार बुलाते हो? कमीने कुत्ते, यही तेरे बाप की सजा है। आज तुम बच गए, मगर याद रखो तुम्हारी मौत इन्हीं हाथों से लिखी। ले जाओ इसे और समुंदर पार के किले में कैद कर दो। अंगूठे में सांप आ गया। ए पगली, क्या देखना चाहती है? देख देख, अच्छी तरह देख। अरे इस तरह क्या देखती है? सर अपना बाजू दिखा, बाजू दिखा। क्यों, नबज देखना चाहती है क्या? दिखा अपना बाजू। तुम आदमी हो या दरिंदे? ए, तेरी इतनी हिम्मत, चल। मेरा नाम चंदर है। चंदर? चंद्रशेखर? तुम्हारे पिता का नाम? माँ, मैं तो एक यतीम हूँ। बचपन में जाने किसने एक कश्ती में डालकर मुझे तूफानों के हवाले कर दिया था। बेटा, मैं ही वो पापी हूँ। हाँ? हाथों से तुम्हें और सावित्री को मैंने दरिया में बहा दिया था। मेरे लाल, मेरे मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। माँ? मेरी माँ? हाँ बेटा। इस अतीम की भी कोई माँ है? माँ, मेरी माँ, मेरी माँ, माँ। मत रो बेटा, मत रो, बड़ी हो गई होगी। क्या
तूने उसकी शादी कर दी? माँ क्या बात है? मैं अब आगे अपनी बहन को डोली में नहीं बिठा सका माँ, मैंने उसे चिता में चढ़ा दिया। सावित्री नहीं, नहीं, सावित्री माँ, सावित्री माँ, मेरी बच्ची माँ, माँ, तेरी माँ, तीरट करो माँ, तीरट करो, तीरट करो माँ, तीरट करो, अब तक तीरट ही तो किया मैंने, मेरी सावित्री, सावित्री कहाँ चली गई तू? अब तेरे पिता को क्या जवाब? पिता, माँ कहाँ है मेरे पिता? अगर वो है तो उन्होंने तुम्हें पागलों की तरह कैद में क्यों पड़ा रहने दिया? हमें यतीम बनाकर दुनिया की ठोकरों में क्यों छोड़ दिया उन्होंने? माँ ऐसे सालिम और बेदर्द पिता से। चंदर, ऐसा मत कहो। तुम नहीं जानते बेटा, तुम्हारे पिता इस देश में भगवान की तरह पूजे जाते हैं। बेटा, तुम यतीम नहीं, इस देश के महामंत्री सरदार मंगल सेन के पुत्र हो। माँ हाँ बेटा, तेरी माँ हमेशा पागलों की तरह कैद खाने में नहीं रही, कभी हम भी आलीशान महलों में रहते थे। बहुत बरस हुए जब तुम 7 साल के थे। आज क्या है माँ, फिर दिवाली आ गई? नहीं बेटा, आज राजकुमार 1 बरस के हो गए हैं, उनका जन्मदिन मनाया जाएगा। तो फिर राजकुमार की ना अपने भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनने की? नहीं बेटा, राजकुमार की माँ नहीं है। और वो जो है रानी जी? वो उनकी सौतेली माँ है मेरी लाल। देखो तुम्हारे पिताजी आ गए। बाबा, भैया को देखो, राजा बन गया है। राजा नहीं बेटा, दीवान है दीवान, बड़े महाराज का दीवान मैं, और जब राजकुमार राजा बनेंगे ना तो उनका दीवान बनेगा तेरा भैया। ये कोई झूठ थोड़े है, मेरा बेटा जरूर दीवान बनेगा। देखिए इसके बाजू पे ये तिल, कहते हैं ये राजयोग की निशानी है। हाँ अच्छा। चलो चलो जल्दी करो, समय हो गया। चलो बेटा। क्या तुम तैयार हो? जी। तो ये लो, काम हो जाने पर इतना ही इनाम और मिलेगा। भैया मुझे डर लग रहा है, अगर सारा भेद खुल गया तो? अगर इस तरह डरती रहोगी तो राज करने का ख्याल छोड़ दो। वैसे तो तुम यहाँ की रानी कहलाती हो, लेकिन जब तक तुम्हारी सास के वो दोनों बच्चे जिंदा हैं, तुम्हारी हैसियत एक दासी से ज्यादा नहीं, समझी? राजाधिराज महाराज विक्रम सिंह की जय। अभी भी आ चुकी है, उसे फौरन गिरफ्तार कर लो, जाओ।
सेनापति दुर्जय सिंह, हमें सख्त अफसोस है कि महाराज के हुजूर में हम आपसे चंद सवालों का जवाब तलब करने पर मजबूर हैं। इस औरत ने राजकुमार के पंगुड़े में एक सांप रखकर उनकी हत्या करने की कोशिश की है और इसका बयान है कि इसने ये हरकत आपके हुक्म से की। आपको इस बारे में कुछ कहना है? मंगलसेन, तुम्हारी ये हिम्मत कि एक मामूली औरत के कहने से तुम भरे दरबार में सेनापति की बेइज्जती करना चाहते हो, ये मत भूलो कि हम महारानी साहिबा के भाई हैं। ये हमारे सवाल का जवाब नहीं है सेनापति। मैं हर अरे गहरे की बकवास का जवाब नहीं दे सकता। दुर्जय सिंह, अदब से बात करो। सरदार मंगलसेन इस रियासत के महामंत्री हैं। वो जो बात करते हैं पूरी जिम्मेदारी से करते हैं। उनके सवाल का सीधा जवाब दो। तो आप मंगलसेन को मुझसे ज्यादा हमदर्द और एतबार के काबिल समझते हैं? बेशक। ये मेरी सख्त तौहीन है। अब मेरा यहाँ एक पल भी रहना मुश्किल है। जब तक मंगलसेन इस रियासत का दीवान रहेगा मैं यहाँ कदम नहीं रखूंगा। हेलो, अभी हमने तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं दी। मुझे किसी की इजाजत नहीं चाहिए। गिरफ्तार कर लो इसे। जय सिंह, आज तुम अपने असली रंग में दिखाई दिए। अब हमें पता चल गया कि जब तक तुम रहोगे हमारे बच्चों की जिंदगी खतरे में। कोतवाल, इस राजद्रोही को कैद खाने में बंद कर दो। महाराज विक्रम सिंह के नाम पर तुम्हारी तलवार दब की जाती है। चलो। माफ कीजिए मालिक, ये रही आपकी तलवार। गजपाल, अब पानी सर से गुजर गया। वो बूढ़ा मुझे गिरफ्तार करना चाहता, मैं उसका सारा खानदान नेस्त नाबूद कर दूंगा। और आज ही राजकुमारी का इस राज में पल भर भी रहना खतरे से खाली है। जी, यहाँ वो जाने मुझे जरूर मार डालेगा। अलका, तुम हमारे महल में जाओ और मालकिन से कह दो कि बच्चों को लेकर फौरन घाट पे चली जाए। मैं वहाँ नावने का इंतजार कर रहा हूँ। बहुत अच्छा मालिक। माधव जी, तुम्हारा हम लोग के साथ चलना ठीक नहीं। तुम अभी महल में ही नौकरी करो और जब जरूरी हो यहाँ की खबर करते रहो। मालिक, माधव, मैं जानता हूँ तुम्हें तकलीफ होगी मगर तुम्हारा यहाँ रहना बहुत जरूरी है।
चिल्लाते हुए बह गए और मैं अभागन देखती रही। माँ पिताजी कहाँ हैं? कहाँ हैं? किस मुसीबत में है कौन जाने। बेटा जो किस्मत तुझे मेरे पास ले आई वो अगर तुझे तेरे पिताजी तक ले जाती तो कितना अच्छा होता। तू उनकी कुछ मदद तो कर सकता बेटा। माँ यहाँ किस्मत मुझे वैसे ही नहीं लाई, इसी काम के लिए लाई है। अगर बेटे से मिलने के लिए एक माँ पत्थरों की ही दीवार तोड़ सकती है तो बेटा अपने पिता तक पहुंचने के लिए ऐसी सैकड़ों दीवारें तोड़ सकता है। मेरे साथ आओ माँ, वो जहां भी होंगे मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगा। आओ मेरे साथ। घुसवार आ रहा है। कुमार कहाँ है? चलो तुम लोग अंदर चलो, मालूम नहीं आने वाला कौन है। चलो चलो जल्दी करो जल्दी। ये तो अपना माधव दिखाई देता है। माधव 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 जुहारी सरदार, राजकुमार की जय हो। प्रणाम राजकुमारी। माधव तुम्हारे घोड़े की रफ्तार से तो मैं घबरा गया था कि कोई सेनापति का आदमी आ पहुंचा। आओ माधव। कहो माधव सारा इंतजाम हो गया? हाँ मालिक, हमने आपके लिए शहर के करीब ही एक खुफिया अड्डा बना लिया है। आप वहां से लोगों में जाकर उन्हें बगावत के लिए तैयार कर सकते हैं। बस अब आप ही का इंतजार है। जिस दिन आप तैयार हो मैं गोविंद को आपके पास भेज दूंगा। आप कब आ रहे हैं मालिक? मैं इसी पूर्णमासी को आने की सोच रहा हूं माधव। आप क्या सोच रहे हैं मालिक? मुझे सिर्फ राजकुमार और राजकुमारी की फिक्र है। ये बच्चे इस देश की सबसे कीमती अमानत है। इन्हें खतरे के करीब ले जाते हुए चिंता होती है माधव। मगर एक दिन तो उस खतरे का सामना करना ही पड़ेगा बाबा, फिर आज ही क्यों ना हो। अब वो समय आ गया है कि हमें छुपाए रखने के बजाय हमारे हाथ में भी तलवार दे दो बाबा। हम भी इस जंग में सबके साथ कंधे से कंधा मिला के चलेंगे। धन्य हो राजकुमारी धन्य हो, आज हमारी सारी चिंता दूर हो गई। हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे राजकुमारी, हम आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। बाबा ऐसा मत कहो, तुम मेरी आज्ञा का पालन करोगे? हमारे लिए माता और पिता की जगह तुम ही तो हो बाबा। तुम्ही ने तो अपनी जान पे खेल के हमें नया जन्म दिया है। बाबा बाबा मैं राजकुमारी नहीं, मैं राजकुमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी पद्मा हूँ, तुम्हारी पद्मा बाबा। मेरी बहादुर बच्ची, धीरज करो धीरज करो, तुम्हारी जोश भरी बातों ने मेरी रगों का खून गरमा दिया था बेटी। तुम तो जानती हो इस कर्तव्य के सिवा अब मेरी जिंदगी का और कोई मकसद ही नहीं रहा। बीवी और बच्चे 10 बरस पहले ही तूफान में बहकर खत्म हो गए, उस पर भी इस बुढ़ापे को कंधे पे लादे जो अब तक जी रहा हूं, सो किसके लिए, इस कर्तव्य के लिए ही तो। बाबा तुम ऐसा मत कहा करो, मुझे पक्का विश्वास है कि वो लोग डूबे नहीं, जरूर किसी न किसी तरह बच गए होंगे। और एक दिन वो हमसे आके मिलेंगे, जरूर मिलेंगे बाबा। Thank you.
माँ? क्या हुआ माँ? कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। तुम जाओ अपने पिता के पास जाओ। माँ, उन्हें उन्हें मेरा प्रणाम कहना। ओ माँ, ओ माँ, ना बोलेगी ना बोलेगी अब तेरे लाख गुनाए, ना बोलेगी ना बोलेगी। अब ना उठेगा हाथ भी जिसने झूले तुझे झुलाए, अब ना खुलेगी आँख भी जिसमें सदा नजर तू आए। फिर ना मिले वो दूध भले तू लाख जन्म ले आए, ना बोलेगी ना बोलेगी अब तेरे लाख बुलाए, ना बोलेगी। कैसे दाह क्रिया है कैसे चिता जलाई जाए, माना लोहे की दीवारें लेकिन ना घबराए। आंसू की गंगा जमुना से तन को तू नहलाए, धीरे से धरती माँ की गोद में माँ को सुलाए, आग जगाए जलते दिल के छोलों को ले चिता जलाए। ना बोलेगी ना बोलेगी अब तेरे लाख बुलाए, ना बोलेगी ना बोलेगी। Thank you.
जहाज को घुमाओ, जहाज को इस तरफ घुमाओ। संभल के जी संभल के चलना, चलना संभल के जी संभल के चलना, हो राही हो राही हो, चलना संभल के जी चलना संभल के, हो चलना संभल के जी चलना संभल के। बोले ये तो मीठे मीठे हिचकोले लगे हल्के हल्के, ओ चलना संभल संभल के जी चलना संभल के। मंजिल है कितनी दूर, मंजिल है कितनी दूर, जानू ना हाय रे, सोच के यही मेरा जिया खतूर आए रे, जिया खतूर आए रे। ओ चलना संभल के जी चलना संभल के। नीलों की कोसों की तू देख न दूरी, तू देख न दूरी, मन में जो आशा तेरी होगी वो पूरी, होगी वो पूरी, सूरज निकलेगा फिर एक बार ढल के, ओ चलना संभल के जी चलना संभल के, ओ चलना संभल के जी चलना संभल के। होशियार, ओ हो ढूंढिया, ओ मंडिया, अरे कोई है, एक डंडा उठाओ। ए वहीं ठहरो, कौन हो तुम? जरा ऐसा बोलो। क्यों? ए, मेरे बैल शोर पसंद नहीं करते। ओ हो, कहां से आए हो? वहीं से आए हैं। वहीं से कहां से? अपनी ससुराल से। तो ये तुम्हारी बीवी है? है नहीं, होने वाली है। ओहो, ये बात है। अरे उधर क्या देखते हो, लात खाओगे। क्या कहा? मेरा मतलब है कि जरा आप पीछे हट के खड़े रहिए, नहीं तो ये बैल आपको लात मार देगा। अच्छा अच्छा, वो लड़की कौन है? उससे बात नहीं करना, वो तो जंगली लड़की है, काट खाएगी काट। काट खाएगी? कौन हो तुम? ए छोकरी, बड़ी तेज है, शादी हो गई क्या? क्या बबुआ? ए बबुआ, मुए को देखो मस्करी करता है। क्यों बे, जवान छोकरी से मजाक करता है? ये दीदे फोड़ के कचालू बना दूंगा। ए क्या बकता है? अच्छा दसवीं जरा लाना तो मेरी लटिया, जरा इसे मजाक चखा दू, बड़ा आया तीस मार खान। जा जा बुड्ढे, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा। है देखता हूँ कैसे जान से मारता है तू। अरे बाबू बाबू बाबू, क्यों मत बोल बीच में, मैं इसकी मत करी जल्दी कर दूंगा। अरे नहीं बाबा, मेरी बात से मेरे छोकरी से मजाक किया? अरे नहीं, बच्ची से मजाक किया? नहीं, मैं बात जान ले लूंगा, मैं छोकरी से मजाक करना। अरे बाबू तुम ये क्या कर रहे हो? इस बेचारे ने तो यूं ही पूछा था कि इसकी शादी हुई या नहीं, और तुम उसकी जान लेने पे तुले हो। बेचारा बाल बच्चेदार आदमी है बाबू। अरे बस इतनी सी बात थी क्या? हाँ। माफ करना बाबा, जरा भूल हो गई। हाँ मैं जाता हूँ। जा, जा, जा। बाल बच्चे है कि नहीं? नहीं नहीं। हेलो राम सिंह, जरा वो तस्वीर लाना। तस्वीर? तस्वीर कैसी मालिक? चुप रहो, ये सरकारी मामला है,
लीजिए। इस तस्वीर से उसकी शक्ल मिलती है ना? दुड़ 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 दुड़। ओ ठेकेदार, आया हुजूर, आया। हम वहां इंतजार कर रहे हैं और तुम लोग यहां गप्पे हाँक रहे हो। अरे अरे अरे, आप हम पे क्यों खफा हो रहे हैं? हम तो कब के आए हुए हैं? आप इससे पूछिए, ये यहाँ सब जवान लड़कियों से पूछा करता है कि शादी हुई या नहीं। आपने इसको इसलिए यहाँ रखा है? इन्हें फौरन रवाना करो। अच्छा हुजूर, मैं नहीं जानता था कि ये लोग सरकारी काम के लिए घास ले जा रहे हैं। अरे जाओ बाबा, जल्दी जाओ। ए बूढ़े, अब रास्ते में देर मत करना, मैं जाता हूँ। जी सरकार। राजकुमार की जय। साथियों, ये आवाज सुनने के लिए मेरे कान 10 बरस से तरस रहे थे। आज मुझे यकीन हो गया है कि अब हम लोग इन मासूम बच्चों को इनका हक दिलाने में जरूर कामयाब होंगे। मगर दोस्तों, हमारा दुश्मन बहुत ताकतवर है। उसके पास फौज है, उसके पास हुकूमत है, उसके पास हथियार है। इतनी बड़ी ताकत के मुकाबले पर हम मुट्ठी भर लोग जो यहाँ जमा है आंधी के सामने तिनके की हैसियत रखते हैं। उसके लिए हमें सारे देश को जगाना होगा। हम सबको शहर शहर और गांव गांव में जाकर उन दबे हुए, कुचले हुए, कमजोर इंसानों को नई हिम्मत दिलानी होगी, उनका डर दूर करना होगा। हमें देश के कोने कोने में क्रांति की आग भड़काकर मातृभूमि को आजाद कराना होगा। और इतने बड़े काम के लिए 100-200 नहीं, हजारों सरफरोश चाहिए। हमें इस देश के हर घर से एक नौजवान चाहिए। हर बाप से हम उसका एक बेटा मांगते हैं। क्या हमारी मांग पूरी नहीं होगी? जरूर होगी, जरूर होगी। शाबाश, अब हमारी कामयाबी दूर नहीं रही। दोस्तों, आज अगर मेरा बेटा मेरे पास होता तो मैं भी तुम लोगों के साथ ये कहता कि मेरा बेटा भी देश के लिए कुर्बान होगा। मगर क्या करूं, मेरा बेटा नहीं रहा। ओ भैया ओ भैया, पिंजरे के हैं पंजीरे भैया, पिंजरे में हैं। बेटा, जब समंदर में कूदे थे तो उसमें डूब क्यों नहीं गए? इन लोगों का गुलाम बनने से तो मर जाना बेहतर था। ए, क्या बातें हो रही हैं? काम करो अपना। ऐसा ये हंसना और कैसा ये गाना, ये जीवन है तारी रात हो भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया, भैया ओ भैया। किनारा आ गया, किनारा आ गया। मोला जजीरा का काया मालो, महाराज तुम पर नीलमणि देवी का आशीर्वाद। देवी जय हो।
जय हो देवी। सरकार, अपना जहाज आ गया। सरकार, जहाज आ गया। समरभान, फौरन महल में जाओ और हमारी बेटी मंदाकिनी को खबर दो कि हमारा जहाज आ गया है। जाओ। क्या है? अपना जहाज आ गया है और सरकार ने शहजादी साहिबा को याद फरमाया है। शहजादी साहिबा, अपना जहाज आ गया है। अपना जहाज आ गया? हम अभी आते हैं। क्या लाए? चीन का रेशम, चीन का रेशम, देखिए कितना नरम है। हमें यह चीज पसंद है। कितनी बार ए ए करके बुलाया? मेरा नाम ए नहीं है। हमारा नाम जानते हो? नहीं। मंदाकिनी। हूँ क्या? हमने तुम्हें अपना नाम बताया है, मंदाकिनी। सुना नहीं? सुन लिया। सुन लिया और फिर भी इस तरह खड़े हो? तो क्या करूं, तुम्हारा नाम सुनकर लोटन कबूतर बन जाऊं या गश खाकर गिर जाऊं, क्या करूं? इतनी हिम्मत? ये जान करके हम कौन है तुम्हें अदब से झुक जाना चाहिए। जाओ, किसी और को परेशान करो। क्या हुआ बेटी? क्या नहीं हुआ? ए गुलाम की ये हिम्मत कि हमारी धरती पर हमारा अपमान कर दे। तुम्हारा अपमान? कौन है वो बदनसीब? चलो। इसकी सजा हम खुद तजवीज करेंगे। इसे हमारे महल में भेज दिया जाए। ले जाओ। Thank you.
हमारे बाग में ही काम कर रहा है। करीब पर आप कुछ ज्यादा सख्ती कर रहे हैं। क्यों नहीं, उसे शायद इस बात का मान है कि वो बड़ा हसीन है, मगर हमें उसे क्या। मैंने कब कहा कि आपको कुछ है। चुप रहे। अच्छा एक काम कर, हम बारादरी में जाते हैं, उसे वहां हमारे सामने पेश किया जाए। गुलाम हाजिर है सरकार। ओ अच्छा, तो मैं फिर आऊंगा। कहाँ जा रहे हैं? बांदी ने कहा था कि आप मुझसे मिलना चाहती हैं, मगर आपको फुर्सत नहीं, सो बंदा जा रहा है। कुस्ता। वो फूलदान हमारे पास लाओ। शहजादी को फूलदान चाहिए। तुम्हें हुक्म दिया था। फूलदान उठा के लाओ। तो आप जरा इसे उठाइए, मैं फूलदान उठाता हूं। तुम इससे बात करो, जानते हो कि तुम्हें गुलाम हो और शहजादी के हुजूर में खड़े हो। हमारे करीब आओ। तुम इंसान हो या पत्थर? न इंसान न पत्थर, सिर्फ गुलाम। बात में दखल मत दो, हम जो पूछें उसका जवाब दो। बताओ क्या हम खूबसूरत हैं? हाँ जी हाँ, बहुत खूबसूरत, बिल्कुल एक नागिन की तरह। बदतमीज। बदतमीज तुम हो या मैं, अब अगर ये हाथ तोड़ दूं तो। छोड़ दो छोड़ दो, हमें दर्द होता है। आप तो शहजादी, आपको दर्द कैसे हो सकता है। छोड़ दो ना, छोड़ दो, सच्ची दर्द होता है, छोड़ दो। अगर तुम औरत ना होती तो ये बाजू तोड़ देता। तुम जानते हो कि इस तरह शहजादी का हाथ पकड़ने की क्या सजा हो सकती है? ज्यादा से ज्यादा मौत। मगर ये सबक याद रखना कि औरत चाहे शहजादी ही क्यों ना हो, उसे मर्द की इज्जत करनी चाहिए। सिपाही। इसकी जंजीरें काट दो। हमारे साथ आओ। Thank you.
यहाँ से भागने की कोशिश करता है कानून में उसके लिए क्या सजा है? यहाँ का कानून ऐसे जुर्म की एक ही सजा देता है, सजाए मौत। हम इसकी इजाजत देते हैं, काबिल हो। हमारा झूमर वहां मिला कि नहीं? मगर बात क्या है बेटी? तुम बताओ सुंदरी, बात क्या है? सरकार, आज शाम को शहजादी साहिबा सामने वाले जजीरे पर घूमने गई थी, वहां उनका एक झूमर गुम हो गया। वही ढूंढने के लिए हमने इसे उस पार जाने का हुक्म दिया था, इसीलिए हमने इसकी बेड़ियां कटवा कर इसे नए कपड़े दिए। और इसकी तरफ देखो, बुद्धू बना यहाँ मरने के लिए खड़ा है। मुंह में जुबान नहीं, दिमाग में अकल नहीं, कुछ बात करो तो समझ नहीं सकता। बेवकूफ कहीं का। तो वो तुम्हारे हुक्म से जा रहा था? और क्या। तो पहले क्यों नहीं कहा बेटी, अभी एक बेगुनाह का खून हो जाता। ए, हमारा मुंह क्या देख रहे हो, फौरन आजाद कर दो उसे। वा, 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 वा।
जवाब तो दो चंदर, हमें ये तो बताओ कि तुम्हें यहाँ क्या तकलीफ है, क्या दुख है? हम तुम्हें खुश रखने के लिए हर चीज करने को तैयार हैं। बोलो क्या चाहते हो? मैं सिर्फ यहाँ से जाना चाहता हूँ। आखिर क्यों? क्योंकि यहाँ से दूर मेरे वतन में मेरा फर्ज मुझे बुला रहा है। क्या हम जान सकते हैं वो जरूरी फर्ज क्या है? वहां कोई लड़की है क्या? नहीं, एक आदमी है जिससे मुझे बदला लेना है। बदला? इतना ही जरूरी है? जरूरी? वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा काम है। मेरी रगों में बहते हुए खून का एक एक कतरा उस बदले की आग से उबल रहा है। मगर जो आग हमारे दिल में तुमने लगा दी उसका असर तुम पर कुछ नहीं होता। शहजादी, तुम रेत में फूल उगाने की कोशिश कर रही। तुम्हारी आंखों के सामने किसी जालिम ने तुम्हारी बहन का खून नहीं किया। तुम्हारे बाप को किसी ने दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर नहीं किया। तुमने अपनी माँ को किसी कैद खाने में पत्थरों पर सर पटक पटक कर मरते नहीं देखा। फिर तुम मेरी तड़प को कैसे समझ सकोगी? मेरा और अपना वक्त जाया मत करो। मुझे जाने दो, मैं जिंदगी भर तुम्हारा शुक्रगुजार रहूंगा। हमें किसी की शुक्रगुजारी नहीं चाहिए। शहजादी, मुझे जाने दो। हमारे साथ आओ। इन पेटियों में इतनी दौलत है जो तुम्हारे काम को आसान कर देगी, और वो रही तुम्हारी कश्ती। मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा नहीं कर सकता शहजादी। तुम कश्ती चलाना जानते हो? हाँ। अगर लहरें बेकाबू हो जाए तो? मैं संभाल सकता हूँ। अगर तूफान आ जाए तो? मैं तूफान से लड़ सकता हूँ। अकेले तुम ही तूफान से लड़ सकते हो, ये मत सोचना। मेरी तरफ देखो, मेरे सीने में भी एक तूफान मचल रहा है। एक आंधी है जिसे दबाकर मैं तुम्हें इजाजत दे रही हूँ। जाओ जाओ, मगर इतना याद रखना कि अगर तुम एक महीने के अंदर वापस न आए तो दिल की तरफ से मजबूर औरत सब कुछ कर सकती है। अपनी आंखों से देखा है? जी हाँ, वही बागियों का अड्डा है। इस वक्त वहां सब जमा है। गजपाल, हमें इसी वक्त छापा मारना चाहिए। बहुत को तैयार होने का हुक्म दो, हम खुद जाएंगे। अलका, 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 बहुत बड़ा खतरा आ गया है। क्यों, क्या हुआ? सेनापति को बाबा के अड्डे का पता चल गया है। वो इसी वक्त वहां छापा मारने वाले हैं। तुम जाओ अलका, फौरन जाओ। जा रही है।
क्या हुआ? सेनापति की जगह का पता चल गया, अब वो फौज लेकर आ रहा है। दुश्मन को थोड़ी देर दर्रे में रोकने की तरकीब करनी चाहिए। मालिक, मैं उन्हें थोड़ी देर दर्रे में रोकने की कोशिश करता हूँ, मगर आप जल्दी कीजिएगा। चलो चलो मेरे साथ। बाकी रह जाए उसे तोड़ फोड़ कर बेकार कर दो ताकि दुश्मन के हाथ कुछ ना आ सके। जल्दी करो अलका, सब लोग इकट्ठा नहीं जा सकते, तुम राजकुमारी को ले जाओ, कुमार मेरे साथ रहेंगे। जाओ। जी मालिक। जाइए जाइए माय बाप, अब आप जा सकते हैं। होता है उन्हें किसी ने खबर कर दी। तुम लोग चारों तरफ फैल जाओ, वो लोग अभी दूर नहीं गए होंगे। शहर में और शहर का कोना कोना छान मारो। जाओ। मार न सकता कोई रे जिसको राखे राम, जिसको राखे राम उसको डरने का क्या काम, उसको डरने का क्या काम। जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम। कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम, कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम। चले आओ बेधड़क खुली साफ है सड़क, चले आओ बेधड़क ढूंढ रहे हम। अरे भक्तन फूंक दे शंख, अरे फूंक दे शंख जरा भर के दम, बम 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 बम। कहाँ गए तुम अरे ढूंढ रहे हम, चले आओ बेधड़क तो कुली साफ है सड़क, ढूंढ रहे हम। बोझ फिरा मैं दुनिया सारी, बोझ फिरा मैं दुनिया सारी, मिली न आंखों की ज्योत हमारी। कैसी चिंता ओ संसारी, माधव की पत्नी करे रखवारी, माधव की पत्नी करे रखवारी। इधर उधर क्यों भटक रहे हो, भक्तों का ये धाम, कर लो कुछ आराम यहाँ तुम, कर लो कुछ आराम यहाँ तुम, यही मिलेंगे राम हो, यही मिलेंगे राम। सीताराम सीताराम सीताराम। यही ठहर जाते यहाँ? हाँ हाँ, रात भर यही काट लेंगे। कितना ले उस्ताद।
जी कौन हो तुम? मारे डेरे की छोकरियां तो तुम नहीं? नहीं भैया, मारा डेरा तो रामपुर में हो। रास्ते में सांझ पड़ गई तो सोचो भाई रात की रात काट के तड़के अपने पड़ाव पे चली जावेंगे। ठीक है। क्या बात है, मैं पानी ले आती। तुम रहने दो, बाहर अंधेरा है, मैं ले आती। आवाज सुन के आ गया था, अब इजाजत दीजिए, मुझे अपनी मंजिल पे पहुंचना है। ये नहीं हो सकता हजूर। कालूराम, तेरे की सब लड़कियों से कह दो कि आज इस बहादुर मेहमान की आमद पर ऐसा जश्न हो कि बरसों याद रहे। चलो। दिल जाते दूंगी राजानी पाल के, दिल जाते दूंगी राजानी पाल के, रखो पे क्या तू संभाल के, जब से देखा तुझे मैं तेरी हुई, जब से देखा तुझे मैं तेरी हुई, हाय हलती यही बस मेरी हुई, हाय हलती यही बस मेरी हुई, तेरी हुई तेरी हुई तेरी हुई। हले हले हले, ना सोचा ना समझा ना देखा ना पाला, अपने ही हाथों से दिल को उछाला, इतने में आ गई नजर तुम कहां से, ये टुकड़े हुए हाय गया ना संभाला, कितनी भूले खुद ही जगाए मोहब्बत के शोले, ऐसी कौन खता हुई कि सरकार का गुस्सा यूं नाजुल हो रहा है?
तुमने दो मशकूक औरतों को अपने डेरे में छुपा रखा है। हमें शक है कि उनमें से एक भागी हुई राजकुमारी है। नहीं हजूर, यहाँ कोई राजकुमारी नहीं, यहाँ तो सभी बंजारे हैं। ओहो, ए, बताओ वो लड़कियां कौन है? वो देखिए, और दूसरी वो रही, गिरफ्तार कर लो। राजकुमारी थी या नहीं, बोलो वरना। हुजूर, ये तो माधव की बीवी है। माधव की बीवी? जी हाँ, वही है। अब पता चला, इसे महल में ले चलो, माधव को इसका जवाब देना पड़ेगा। Billy।
कैसे हैं आप? मेरी वजह से आपको बहुत परेशानी हुई, उम्मीद है इसके लिए राजकुमारी मुझे माफ करेंगी। राजकुमारी? मैं तो राजकुमारी नहीं। मैं सब जानता हूँ राजकुमारी, डरिए नहीं, मैं दुश्मन नहीं दोस्त हूँ। लाइए ये चप्पू मुझे दे दीजिए। नहीं, मेरे होते हुए आप ये काम नहीं कर सकते। लाइए। क्या माधव जानता है कि उसकी बीवी गिरफ्तार हो चुकी है? जी हाँ। इसका उस पर क्या असर हुआ? वो तो यही जाहिर करता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत चालाक है, उसको अभी गिरफ्तार न किया जाए, वो जहां भी जाए उसका पीछा करो। की आवाज सुनी। हाँ, एक पहाड़ी पर जरूर राजकुमारी आता होगी। गोविंद तुम लोग राजकुमार का ख्याल रखो, मैं भी आता हूँ। बहुत अच्छी बात। मालिक, अलका गिरफ्तार हो गई है। और राजकुमारी? वो किसी तरह बच के निकल गई, मगर वो है कहाँ? अक्कड़ी लगा दो। राजकुमार और राजकुमारी कहाँ हैं? बेवकूफ, क्या तुम्हें ये उम्मीद है कि हम इस सवाल का जवाब देंगे? मंगलसेन, इसके लिए तुम कुत्ते की मौत मारे जाओगे। शुक्रिया। कुत्ता जिसके चुकड़ों पर पलता है उस मालिक से वफादारी करता है, मगर तुम्हारा खानदान जिसके टुकड़ों पर पला उसी मालिक की पीठ में तुमने खंजर भोंक दिया। दुर्जय सिंह, तुम तो कुत्ते की मौत के काबिल भी नहीं। बदजुबान, तुम्हारा वक्त आ गया। ये इतनी सहल मौत का हकदार नहीं, इसकी मौत बड़ी भयानक होगी। नमक हराम, 10 बरस से तुम आस्तीन के सांप की तरह हमारे महल में रहकर गद्दारी करते रहे, जानते हो इसकी सजा कितनी भयानक हो सकती है? बताओ इस साजिश में तुम्हारे साथ और कितने लोग शामिल? ये साजिश नहीं सेनापति, देशभक्ति है, और इसमें देश का हर वो सपूत शामिल है जिसे अपनी माँ के दूध की शर्म है। खामोश! हमारी बातों का सीधा जवाब दो, राजकुमार और राजकुमारी कहाँ हैं? इसका जवाब मैं नहीं दे सकता। नहीं दे सकते? इसके लिए तुम्हारे जिस्म की धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। गजपाल! कुछ बताना चाहती हो? अगर तुम राजकुमार और राजकुमारी का पता बता दो तो न सिर्फ तुमको माफ कर दिया जाएगा
बल्कि हम तुम्हें दौलत से मालामाल कर देंगे। हम गरीब हैं सेनापति, पर नमक हराम नहीं। देखता हूँ तुम कब तक बर्दाश्त करोगे। आज इसे कोड़े मारे गए, कल तुम्हारे सामने इसकी आंखें निकाली जाएंगी। सोच लो, हम कल फिर आएंगे। क्या कहा? जौहरी? जौहरी नहीं महारानी, जौहरी उनके बादशाह। अच्छा, तो उन्हें इज्जत के साथ दरबार में पेश किया जाए। राज्य विधात्री सूर्य कुल शिरोमणि शत्रु कुल नाशिनी करुणामूर्ति श्री श्री महारानी जी के श्री चरणों में सेवक नयनसु का नमस्कार स्वीकार हो। नयनसु, तुम्हारी वाणी मधुर है, हम प्रसन्न हुए। वो तो ठीक है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि लाला नयनसु कौन है और कहां से आए। अजी आने को तो सभी मनुष्य ब्रह्मा के लोक से आए हैं राजा, किंतु माता बचपन से ही कामरूप देश में जाके पलिया, तो मारे को हुआ स्त्रियों के सिंगार की कुछ शिक्षा मिली, तब से हीरे जवाहरात के गहने लेके देश विदेश घूमता रहूं और इस प्रकार बड़े बड़े राजमहलों में जाके सेवा करता रहूं। मालिक यदि आज्ञा होवे ता आपकी सेवा में भी एक अनमोल भेंट पेश करूं। नैनसुख, तुम औरतों के सिंगार का व्यापार करने वाले, हमें क्या पेश करोगे? हम तो सिपाही हैं। अजी सिपाहियों के लिए सिपाहियों का माल जरा देखिए तो इस गुदड़ी में क्या क्या रखा है। हुजूर, वीर शिरोमणि दीन दुखियों के पालक श्री सेनापति को सेवक नयनसुख की भेंट। ये जड़ाऊ तलवार तो औरतों की सजावट की चीज है नयनसुख जी, हम तो असली तलवारों से खेलते हैं। हाँ, ये क्या कर दिया हुजूर, ये सजावट की चीज नहीं। अच्छा? हाँ, इसका फल लोहे का नहीं बजर का है, बजर का। विश्वास नहीं होता तो अपनी खड़क से भिड़ा के देख लीजिए, रन निकालिए अपनी तलवार। मूर्ख, तुम आदमी तो अच्छे हो मगर तुम्हारी मौत ही आ गई है तो हम क्या करें। लो संभालो वार। कैसी रही? रानी जी, मां इनको क्या हराऊंगा? सेनापति के हृदय में कितनी दया, हाथों में कितनी ममता है, तुम्हारे को जिंदा छोड़ दिया। धन्य हो प्रभु, धन्य हो। वाह नयनसुख वाह, तुम्हें बात है प्यारे, आदमी खूब दिलचस्प हो। बस तो मिलाइए हाथ। देखिए एवं आपके मित्र हो गए। क्यों नहीं, बस मित्र हो गए तो आपसे व्यापार नहीं करेंगे। रानी जी, ये सब कुछ मारे ओर से आपको भेंट करता हूँ। हाँ, नैनसु, तुम मनुष्य हो या देवता? अजी वो तो धीरे धीरे पता चलती कि मैं क्या हूँ। नहीं नैनसु, हम एक दोस्त का इस तरह नुकसान नहीं करेंगे, कुछ तो लेना ही पड़ेगा। अजी कुछ लेने ही तो आया हूँ। पर धन लेने नहीं आया। तो क्या लेने आए हो बोलो। मारे पास 3-4 करोड़ रुपए के जवाहरात हैं। सुनता हूँ कि यहाँ बागियों और डाकुओं ने बड़ा अंधेर मचा रखा है, इसलिए डर के मारे नींद नहीं आती। प्रभु आप दया करें तो कुछ दिनों के लिए मारे जवाहरात अपने महल में ही हिफाजत से रख लीजिए। और तुम? अजी मारा क्या है,
आपके अस्तबल में आपके नौकरों के साथ कहीं पड़ा रहूंगा। नौकरों के साथ नहीं नैनसुख, तुम हमारे साथ रहोगे, हमारे मेहमान बनकर। ए, महल में लाला नैनसुख के रहने का इंतजाम किया जाए। धन्नो धन्नो प्रभु, अब हमारी जान में जान आई। कौन है? चाबी चाहिए। चाबी? चाबी मेरे पास तो नहीं। तो जरा तलाश कर दो ना। और ये अलमारी खोलो, खोलो, अंदर चलो। बंद किए गए थे। सेनापति ने उनको, वो बड़ा दुष्ट। माधव, यहाँ खड़े रहने में खतरा है, चलो मैं तुम्हें समझाता हूँ। पकड़ो उसे, वो कैद खाने की तरफ गया। कौन हुजूर? वही जो कवच में था। माधव, मैं यहीं रहूंगा और पता लगाने की कोशिश करूंगा कि पिताजी कहाँ हैं। तुम लोग निकल जाओ और जाते हुए राजकुमारी को साथ ले जाना, मैं बाद में आके मिलूंगा। जाओ। निकलाओ वरना हाँ तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे, तुम्हें सुरमे की तरह पीस डालेंगे। हाँ, छेद डालो इसे। सेनापति, फिर धोखा दे गया, मारी सारी दौलत ले गया। गजपाल, अब मुंह क्या देख रहे हो, उसका पीछा करो और उसे, माधव और उसकी बीवी को जहां देखो गोली मार दो। जाओ।
मां तो कहूं जरूर कोई आदमी हमारे महल में ही है। आपको यहाँ किसी पे शक नहीं? हमारे महल में? हाँ, हमारे महल में कौन हो सकता है? क्या वो गजपाल भरोसे का आदमी है? गजपाल? हाँ। नैनसुख तुम बौखला गए, गजपाल तो हमारा दहना हाथ है। आ गया, आप समझ में आ गया कि वो कौन है? कौन है? मंगल सेन। कल रात को मंगल सेन ही कवच पहन कर आया था। मंगल सेन? वो जहाँ है वहां से उसके फरिश्ते भी नहीं निकल सकते। क्यों नहीं निकल सकते जी? मुझे यकीन है कि वो मंगल सेन ही था, वरना आप ही सोचिए माधो को छुड़ाने में और किसी दिलचस्पी हो सकती है। मैं 1,00,000 रुपया की शर्त बदलने को तैयार हूँ, आप आइए मेरे साथ, अभी देख लेते हैं वो वहाँ है या नहीं। क्यों जी? हाँ भैया, देखाने में क्या हर्ज है? हाँ? हमारे गाड़ी तैयार की जाए। ये हुई कल की बात, चलिए। नहीं नैन, हम अकेले ही जाएंगे जी, वो जगह कोई गैर आदमी नहीं देख सकता। नैनसु, किस सोच में हो? वो कुछ नहीं, बड़ा नुकसान हो गया मेरा। सोचता हूँ 1,00,000 के बजाय सेनापति से 10,00,000 की शर्त क्यों न लगाई। मंगलसेन तो वहां है नहीं और मेरे पूरे 9,00,000 का नुकसान हो गया। मगर तुम्हें इतना यकीन कैसे है कि वो वहां नहीं है? यकीन? रानी जी, मैं व्यापारी हूँ, व्यापारी बुद्धू नहीं। कहिए तो मैं शर्त लगाकर उस जगह का नक्शा तक बता दूं जहां मंगलसेन कैद है। क्या शर्त? शर्त? ये लीजिए, एक एक मोती 1,000,000 रुपए का है। मेरी एक बात गलत हो तो एक मोती आपका। अब सुनिए, वो जगह जहां मंगल सेन कैद है अभी नई नई बनाई गई है। गलत है, वो तो 200 बरस पुराना किला है। सच बोलती हैं? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा तो ये एक मोती और, वो जगह पानी के अंदर है। फिर गलत, वो तो पहाड़ी के ऊपर है। हैं? अरे जी, मैं तो बिल्कुल भूल गया। रानी जी, मैं जाऊं? जाऊं? कहां? अजी, बड़ा जरूरी काम है। आज दिसावर से मेरा जहाज आने वाला है, जिसमें 1,00,000 रुपए का माल है, 1,00,000 का। जवाहरात, रेशम, अजायबात, गुलाम, खूबसूरत नर्तकियां, और मुझे उन सबको रखने के लिए किसी बड़ी जगह का इंतजाम भी करना है। सब कुछ भूल गया। रानी जी, तो तुम जा रहे हो? अजी कहां जाऊंगा ये दर छोड़ के, बस समझिए कि गया और आया। माधो, यहां से थोड़ी दूर किसी पहाड़ी पर एक पुराना किला है, वहीं बाबा कैद है। क्या तुम उस जगह को जानते हो? वो किला तो मौत का किला है। आज तक जो कैदी वहां गया है जिंदा लौट कर नहीं आया। चंद्र भैया, अगर बाबा वहां है तो उनकी जिंदगी खतरे में। ये देखो, मंगल सेन, अगर कल सुबह तक तुमने राजकुमार और राजकुमारी का पता ना बताया तो जानते हो क्या होगा? सूरज निकलते ही तुम्हें इस कुएं में फेंक दिया जाएगा और ये भूखे मगरमच्छ महामंत्री मंगल सेन की हड्डियां चबा रहे हैं। इसकी जंजीरें खोल दो और इसे रात भर यहीं पड़ा रहने दो, ताकि ये जी भर कर इन्हें देख ले और फैसला कर सके। महारानी साहिबा, आपको दावत देने आया। दावत? कैसी दावत? वाह, मैं आपके शहर में व्यापार का अड्डा बनाऊं और आप वहां न पधारे तो मां फिर किसके सहारे यहां रहूंगा? आपको सेनापति जी को आना ही होगा। मैंने बड़ी शानदार दावत का प्रबंध किया है जी। लो भैया भी आ गए। ओह क्यों, आखिर मंगलसेन भाग गया ना? लाइए 1,00,000 रुपया। नैन सर, मंगलसेन वही है। हा? तो मेरा 1,00,000 गया? सच कहते हो, वही है? हाँ वही है और कल तक वही रहेगा। कल तक क्यों? हमने फैसला कर लिया,
कि अगर कल सुबह तक उसने हमारी बात न मानी तो उसे खत्म कर दिया जाए। बहुत अच्छा किया। बस इसी खुशी में आज के जश्न का मजा दोबाला हो जाएगा। जश्न? कैसा जश्न? भैया नैन सुख का एक जहाज आज ही दिसावर से आया है और इसी खुशी में हमने एक जश्न मनाने का फैसला किया है। वहाँ आप दोनों को आज रात पधारना होगा। मगर नैन सुख की बगर मगर कुछ नहीं सुन रहा। जहाज में कीमती सामान तो आया ही है पर सबसे कीमती है कामरूप की कुमारी कमल लोचना। सैया ऐसा नृत्य करती है कि देख के गश न खा जाओ तो मुझे नैन सुख न कहना। रानी जी आप भी कुछ कहिए ना। हाँ भैया हमें नृत्य देखने का बहुत शौक है। ये हुई बात अब बोलिए। अच्छा नैन सुख हम आएंगे तो लाइए हाथ। उन्होंने यहाँ आना मान लिया। हाँ आज ही रात को आ रहे हैं। गोविंद अभी तक कपड़े लाया कि नहीं? वो इसी काम के लिए सराय में गया है। अच्छा आओ। राजकुमारी ये लीजिए आपके लिए गहने। फिर राजकुमारी का? तो और क्या कहूँ? मेरा नाम पद्मा है। आप मुझसे बेगानों की तरफ क्यों बात करते हैं? नहीं ये बात नहीं राजकुमारी। फिर वही अगर आप पद्मा नहीं कहेंगे तो मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगी। पद्मा अब कहिए। मैं कह रहा था कि आज रात के नाच के लिए आपको जो गहने पसंद हो वो। क्या बात है? यहां कुछ खटका सा हुआ था। होगा कुछ। पता चला? जी सरकार। कहाँ है वो? एक बहुत बड़े मकान में मगर वो अकेले नहीं। अकेला नहीं और कौन है वहां? बोलती क्यों नहीं? मैं माफी चाहती हूँ शहजादी साहिबा वो एक नाचने वाले के साथ रहते हैं। खामोश। जानती है तू क्या कह रही है? माफ कीजिए शहजादी साहिबा मैं सच कहती हूँ मैंने उन दोनों को एक कमरे में अकेले देखा है। वो लड़की बड़े नखरे से बातें कर रही थी और ये उसे आपके दिए हुए जेवर पेश करके आज रात नाचने के लिए कह रहे थे। मैं सच कहती हूँ शहजादी साहिबा। नाचने वाली, नाचने वाली। तो वो इसीलिए यहाँ आया था। देखिए जी जरा इसे बंद कर दीजिए। ओ वो लोग आ गए। वो आ गए। धन्यवाद आस्था नैन सुख की तकदीर खुल गई जो आप। ओहो नैन सुख अच्छा नाम है। जी जी नहीं हमें अंदर आने के लिए भी नहीं कहोगे? जी क्यों नहीं क्यों नहीं। पधारिए पधारिए ना। अरे बाजा क्यों बंद कर दिया? बजाओ बजाओ। यहाँ तो व्यापार खूब जम गया दिखता है। ये सब तुम्हारी ही मेहरबानी है।
तो इतना तुम्हें याद है? मैं तुम्हारा एहसान कैसे भूल सकता हूँ मंदाकिनी। खड़ी क्यों, बैठो ना। हम यहाँ बैठने नहीं आए, तुम्हें अपने साथ ले जाने आए। ये भेस उतार दो और चलो हमारे साथ। मगर मंदाकिनी, मैं तो अभी। अब कोई बहाना नहीं चलेगा, हमें सब पता चल चुका है। तुम एक नाचने वाली के साथ यहाँ रहते हो और उसी की खातिर हमें धोखा देकर यहाँ आए हो। मंदाकिनी, वो नाचने वाली नहीं है, वो तो तुम्हारे दिल की रानी है। यही ना, कौन है वो मोहिनी? जरा उसे बुलाओ हमारे सामने, हम देखना चाहते हैं कि वो हमसे किस बात में बढ़कर है। मंदाकिनी, चंद्र भैया, सेनापति की गाड़ी आ रही है। मंदाकिनी, आओ मेरे साथ। भगवान के लिए, ये झगड़े का वक्त नहीं, हम फिर बात करेंगे, आओ। पधारिए, पधारिए महारानी जी, पधारिए। आहिस्ता आहिस्ता, आइए आइए। ओहो, तो ये है तुम्हारी कामरूप की कमल लोचना? ना 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 हजूर, ये तो त्रिपुरा की राजकुमारी है, मारे परिज की परम दया है, जवाहरात खरीदने आई है। ओ, त्रिपुरा की राजकुमारी और हमारे शहर में, हम आपका स्वागत करते हैं। चलिए। हाँ हाँ, चलिए चलिए चलिए। आप हमारे शहर में आए और हमें खबर तक न करें, ये कैसी बात है? अब तुम कोचवान को संभालो और काम होते ही मुझे खबर दो। आप फिक्र ना कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। राजकुमारी, सब लोग आ गए, आप तैयार हो जाइए। मैं तैयार हूँ। अरे ये क्या? कुछ नहीं। मैं समझता हूँ, राजकुमारी होकर भी आज आपको उस पापी के सामने नाचना पड़ रहा है इसीलिए, मगर हम हालात से मजबूर हैं, मैं इसके लिए माफी चाहता हूँ। आपको नहीं, माफी मुझे मांगनी चाहिए, क्योंकि आज मेरी वजह से आपको किसी के सामने शर्मिंदा होना पड़ा। ओ, तो आपने शायद मंदाकिनी की बातें सुन ली, मगर आप मेरी कहानी नहीं जानती। अब उसकी सफाई देने की जरूरत नहीं, मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं। मगर आप चाहिए, आपके मेहमान इंतजार कर रहे होंगे। अरे रे रे रे, आप अभी तक खड़े हैं? बैठिए हजूर, रानी जी बैठिए। आप भी बैठिए ना। ये भी है जी। नैनसु कहते थे कि वो लड़की बहुत अच्छा नाचती है और खूबसूरत भी है। नैनसु कहते थे, जरा नाचे तो सही, हम भी देखते हैं क्या तीर मारती है। नैनसु जी, कहाँ है तुम्हारी कामरूप की कमल लोचना? हजूर, बस आपके हुक्म की देर थी, वो देखिए। बाहर का
आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीची तेरा इंतजार है। आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीची तेरा इंतजार है। अभी अभी देखो कोयलिया बोल के, बड़ा मजा है, पहला पहला प्यार है। आजा तू राजा आजा, मौसमी बहार है, अम्बुआ नीचे तेरा इंतजार है। अब बनी बात,
पागलपन की भी कोई हद होती है, अब मैं तुम्हारा इस बार नहीं कर सकता। ए, गोविंद को बुलाओ। तुमने हमसे धोखा किया है, हम इसका बदला लेंगे। मंदाकिनी, तुम वक्त की नजाकत को क्यों नहीं समझती? हम कुछ नहीं जानते, हम इसी वक्त तुम्हारा सारा भांडा फोड़ देंगे। गोविंद, माधव से कहो कि इन्हें सराय में बंद कर दे और मेरे आने तक तुम वहीं रहोगी। आइए, हमें हाथ मत लगाओ। अच्छा अच्छा, तो फिर खुद ही चलिए। अजी चलिए भी, इनसे फिर निपट लेना। आइए आइए आइए। इसके लिए तुम पछताओगे चंद्र, इसके लिए तुम पछताओगे। क्या हो गया? उफ, नहीं कुछ नहीं सरकार, एक लड़की के जरी चोट आ गई थी, मामूली, ता उसे हकीम जी के पास भेज के आया हूँ। हाँ। तो क्या कामरूप की कामनिया गई? हाँ? हजूर, आप एक ढूंढ रहे हैं, यहाँ तो 101 का बंदोबस्त है, जरा उधर तो देखो। घड़ियां गिन रहा है। हुजूर, क्या है? दो दिन से वो मगरमच्छ भूखे रखे गए हैं। मालूम है। वो भूख से तिल मिला रहे हैं हुजूर। मालूम है। बस आपके हुक्म की देर है सरकार, और वो भूखे मगरमच्छ उसकी एक एक हड्डी चबा जाएंगे। मालूम है। जी सरकार। चाबी कहाँ है? ये लीजिए सरकार। मैं आपका बेटा हूँ। बेटा है या बाप? मैं आज तुझे पिताजी।
हो तुम? कौन हो तुम? आपका बेटा, मैं आपका बेटा हूँ चंद्र। मेरा बेटा? हाँ। मेरा चंद्र, मेरा बच्चा, तू अभी तक जिंदा है, मेरे कुल का दीपक अभी तक जिंदा है। हाँ पिताजी, इतने परसों बाद आज मिले हो, और मैं तुम्हें मार डालना चाहता था, अपने हाथों तुम्हें कुएं में फेंक देना चाहता था। यह बहुत खतरा है, बाहर चल के बातें करेंगे, आइए चले चलिए। अच्छा एक बात पूछता हूँ, मालिक इस तरह आधी रात के वक्त क्यों आए हैं? अरे क्या तुम नहीं जानते? नहीं तो? सेनापति कैदी को यहाँ से निकाल कर किसी हिफाजत की जगह पे रखना चाहते हैं। क्यों, क्या हम पर भरोसा नहीं है? अरे यही तो मुसीबत है, भरोसा करे तो किस पे भरोसा करे? तुम जानते हो कल रात कोई धोखेबाज राजमहल से माधो और उसकी बीवी को उठाकर ले गया। हाँ हाँ मैंने भी सुना है। बस अब सेनापति को यही खतरा हो गया है कि वो तुम्हें धोखा देकर मंगल सेन को भी यहाँ से लेके जाएगा। अजी रहने दो, उसकी ये मजाल, एक बार यहाँ आए तो सही, मुर्गी की तरह उसकी गर्दन मरोड़ दूंगा। वो देखो भैया, जरा उनकी हालत देखो। नैनसुख, नैनसुख, ए नैनसुख, ए कौन बेवकूफ शोर मचाता है, जानते नहीं सेनापति आए हुए हैं? अरे देखो तो, हम हैं हम। सेनापति, अच्छा ना था ना? बहुत अच्छा। नैन अब हम जा रहे हैं। हम भी जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। बाबा कहाँ है? माधव ने सराय में लेकर गया है, अब चलो जल्दी करो, वो रास्ता देखते होंगे। माधव, गोविंद, अब थावे का समय आ पहुंचा है, इंतजार का वक्त नहीं रहा, तुम लोग इसी वक्त जाओ और अपने साथियों से कह दो कि वो देश के कोने कोने में बगावत का शंख फूंक दे, हम आज दोपहर तक किले पर हमला कर देंगे। जाओ। राजकुमार की जय हो। राजकुमार की जय हो। शाही गाड़ी में आया? झूठ बोलते हो, शाही गाड़ी हमारे पास थी। वो किस वक्त यहाँ आया था? रात के 12 बजे सरकार। रात के 12 बजे? उस वक्त हम नैनसुख के मकान पर, शाही गाड़ी वहीं थी और हम नैनसुख के साथ। मगर नैनसुख बीच में कहीं गायब हो गया। क्या नैनसुख वहां नहीं था? हाँ नैनसुख वहां से गायब हो गया, ये जरूर उसी का काम। गजपाल तुम लोग अभी जाओ, फौरन उसके मकान को घेर लो और नैनसुख को गिरफ्तार कर लो। कोई फायदा नहीं, नैनसुख वहां नहीं है। तुम? हमें इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। क्यों, क्या हुआ? मंदाकिनी वहां से निकल गई है, वो लड़की गुस्से में सब कुछ कर सकती है। शर्त याद रखना, हम फिर मिलेंगे।
राजकुमार पकड़े गए, राजकुमार पकड़े गए, महामंत्री पकड़े गए, महामंत्री पकड़े गए। दुश्मन तुम्हारे हवाले कर देंगे। ये नजारा देखने को मेरी आंखें तरस रही थी। तुम, तुम्हारा बेटा राजकुमार और राजकुमारी चारों तोप के एक ही गोले से उड़ा दिए जाओगे, और लाला नैनसुख, एक दिन जिस दीवार से तुम समुंदर में कूद गए थे, आज उसी दीवार से तुम्हारे टुकड़े उड़ा दिए जाएंगे तोप के। Thank you.
मंदाकिनी